तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरमान ट्रिक में एक बार फिर से। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एंड्रॉयड मोबाइल की कुछ खास खास और सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जो कि दोस्तों शायद ही आप लोगों को पता हो। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो दोस्तों हम अपने चैनल पर यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉयड मोबाइल की। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे फ़ोन मांगता है फ़ोन करने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर आपको डर रहता है कि ये मेरे पर्सनल डाटा चेक ना कर ले, या फिर आपको कोई और डर रहता है कि ये कहीं और मेरे फंक्शन में ना चला जाए, तो इसके लिए आपके जो ये ट्रिक है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो विंडो है कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थ्री लाइन पर क्लिक करना है, और थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पिन का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है फिक्स सेट पर। तो यहाँ पर आपका जो विंडो है यहाँ पर वो फिक्स हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, अब आप यहाँ पर उसको अपने फ्रेंड को फ़ोन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ वो कॉल कर पाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर होम बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपका ना ही होम बटन काम करेगा, ना ही आपका जो बैक बटन है वो काम करेगा, और ना ही जो आपके ऊपर जो ऊपर से आपके नोटिफिकेशन निकलता है दोस्तों, ना ही आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ आप कॉल कर पाओगे और कुछ नहीं। तो इससे आपको अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर होम बटन और जो ये बैक बटन है दोस्तों यहाँ पर इनको दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाओगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों यही ट्रिक आप यहाँ पर यूट्यूब में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी को अपना फ़ोन देते हो, किसी बच्चे को यूट्यूब चलाने के लिए, तो यहाँ पर आप यूट्यूब में भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों ये, वो यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है विंडो एनिमेशन। विंडो एनिमेशन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, या फिर आपको खाली विंडो लिख देना है। तो यहाँ पर आपका सामने इस तरह से विंडो एनिमेशन जूम का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन एनिमेशन की स्केल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ये 1x होगा, तो यहाँ पर आपको इसको 10x कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है जिसको भी आप ओपन करोगे वो यहाँ पर बहुत ही स्लो ओपन होगी, बहुत ही मतलब धीरे धीरे यहाँ पर स्लो और यहाँ पर बंद होगी। तो ये ट्रिक दोस्तों आप यहाँ पर फ़न के लिए और एंजॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे मुझे पता है सभी चाहते हैं कि उनका स्मार्टफोन यहाँ पर काफ़ी मतलब तेज़ी से काम करे, लेकिन ये दोस्तों ट्रिक सिर्फ फ़न के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी दोस्तों वो है व्हाट्सअप की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो यहाँ पर आप अपने मैसेज को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, मतलब उनको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जो वो अलग ही दिखेगा आपका मैसेज। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार लगा के उसके बाद अपना मैसेज टाइप करना है, और उसके बाद फिर से आपको स्टार लगा देना है, तो आपका जो मैसेज है वो दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी मैसेज करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, तो वो मैसेज उस बंदे को अलग ही दिखेगा, मतलब अलग ही उसको दिखेगा वो मैसेज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये मैसेज यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ पर्सनल मैसेज के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार लगा के उसके बाद मैसेज लिखना है, उसके बाद फिर स्टार, तो यहाँ पर वो मैसेज उसको अलग ही दिखेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो आपकी जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी टाइप करना है, और उसके बाद आपके सामने एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी, ये जो एसेसिबिलिटी मेनू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आपको यहाँ पर ऑफ है दोस्तों ये ऑन कर देना है। तब जब आप इसको ऑन कर दोगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ एक आइकन बना हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए जो कि कुछ आदमी की तरह दिखता है, इस तरह से आपको एक आइकन दिखाई देगा। और इसका जो फ़ायदा है दोस्तों यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन निकल कर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप जैसे स्क्रीनशॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले पाओगे एक क्लिक में। और यहाँ पर दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे हैं, यहाँ पर जैसे आप इस पर फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप पावर ऑफ भी कर सकते हो, लॉक स्क्रीन भी लगा सकते हो, और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।